हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर प्रदेश पुलिस की चिंताएं बढ़ गई है। पिछले 5 सालों में प्रदेश में 640% साइबर क्राइम बढ़ा है। राष्ट्रीय डेटा के अनुसार साइबर क्राइम के तहत 80% फ्रॉड और 20% ऑफेंसिव सेक्सुअल कंटेंट की होती है। साइबर क्राइम की कोई सीमा नहीं है और इसे विश्व के किसी भी कोने में बैठकर संचालित किया जा सकता है। ये बात हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने मंडी दौरे के दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के खिलाफ कार्य करने को लेकर प्रदेश सरकार के हर जिला में एक साइबर क्राइम पुलिस थाना खोलने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि साइबर स्पेस में लगातार बढ़ रहे अपराध के कारण 2030 तक साइबर क्राइम साधारण अपराध से ऊपर चला जाएगा। संजय कुंडू ने कहा कि आजकल साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस के पास कोई तकनीक मौजूद नहीं है और साधारण तरीके से ही जांच की जाती है। इसको लेकर केंद्र सरकार को प्रपोजल भेज दिया गया है और बजट की मांग भी की गई है। संजय कुंडू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम को लेकर एकमात्र पुलिस थाना शिमला में ही मौजूद है और उस पर भी कार्य का बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा है। डीजीपी हिमाचल प्रदेश संजय कुंडू ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस को कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पुलिस निरंतर कार्य करती रहेगी। जो साइबर क्राइम है ये बढ़ता जा रहा है, पिछले 5 साल में 640% बढ़ा है। इंडिया का डाटा है, उसमें क्या है कि अगर साइबर क्राइम कंप्लेंट 100 हैं तो 80 तो उसमें फ्रॉड की होती है और 20 होती है ऑफेंसिव सेक्सुअल कंटेंट, मतलब बहुत गंद होता है उसमें साइबर स्पेस में। दूसरा है साइबर स्पेस इज बॉर्डरलेस एंड इट इज़ अक्रॉस ज्यूरिसडिक्शन, कोई अमेरिका में बैठ के भी कर सकता है, कोई नाइजीरिया से बैठ के भी कर सकता है। तो हमने सरकार को लिखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि 2030 तक साइबर क्राइम विल ओवरटेक द नॉर्मल क्राइम, यही सबकी एनालिसिस है। क्राइम साइबर स्पेस में बहुत होता है। जरा हमने भारत सरकार को भी लिखा है कि निर्भया में हमको इसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हमने 2 फेजेस में स्कीम बनाई है। पहली फेज में 3.5 करोड़ मिल जाए, दूसरी फेज में 6.5 करोड़ मिल जाए। अगर मिल जाएगा तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है साइबर क्राइम को डील करने के लिए कर सकते हैं। आज के दिन में हमारे पास टूल्स नहीं है, अगर कुछ हो जाता है तो हमारे पास तो कोई टूल है नहीं, हम तो नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतनी तेज़ एक क्राइम बढ़ रहा है। मैंने बोला पिछले 5 साल में 640% बढ़ गया है, तो इसको टू स्टे अहेड ऑफ द क्राइम वी हैव रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमको आप निर्भया में सपोर्ट करें। हमने अपना प्रपोजल भेज दिया, हम आशा करते हैं कि भारत सरकार इसको सैंक्शन करेगा। जब सैंक्शन करेगा तो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हो पाएगा, जिससे हम साइबर क्राइम की अच्छी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आज के दिन में हमारा एक है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शिमला में, और वो ओवरवेलम होता जा रहा है क्योंकि केस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, वो उसके बोझ के तले दब रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम इस फील्ड में भी आगे बढ़ें, ताकि जो साइबर क्राइम है इसको हम प्रिवेंट भी कर सकें, डिटेक्ट भी कर सकें, उसको प्रोसिक्यूट भी कर सकें। रोड एक्सीडेंट्स कम करने का मैंने बताया आपको कि रोड एक्सीडेंट्स में हमको कामयाबी मिली पिछले साल, मैंने बताया ये, लेकिन हम इसमें निरंतर कार्य करते रहेंगे। हमने IIT मंडी के साथ भी MOU किया है और MOU के 2-3 पहलू हैं, और उसमें हमने बोला है कि रोड एक्सीडेंट्स में डाटा बहुत ज़्यादा है, इसका हम कोई सेंस नहीं बना पा रहे, और कॉज एंड इफेक्ट जो होता है, व्हाट इज़ कॉज एंड इफेक्ट, मतलब किसके कारण क्या हुआ, और व्हाट इज़, इसको कॉजलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, और कोरिलेशन, मैं समझाता हूँ। जैसे इसको अगर मैं दारू पी के गाड़ी चलाता हूँ, इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट आई विल कॉज एन एक्सीडेंट। अगर मैं ओवर स्पीडिंग करता हूँ, इट इज़ क्वाइट लाइकली आई विल कॉज एन एक्सीडेंट। तो ओवर स्पीडिंग एंड ड्रंकन ड्राइविंग इज़ अ कॉज ऑफ एक्सीडेंट। लेकिन मेरी गाड़ी ओल्ड है, पुरानी गाड़ी हो गई, देर इज़ सम कोरिलेशन, पुरानी गाड़ी इतनी मैकेनिकल रिलायबल नहीं होगी तो क्या पता एक्सीडेंट कर दे, दैट इज़ कोरिलेशन, बट ओल्ड व्हीकल विल नॉट कॉज एन एक्सीडेंट। तो इस थोड़ा सा डाटा काफ़ी ज़्यादा है, कुछ हमको सेंस मिल गई है, जिसके कारण हम इसीलिए हम माइंडलेस चलान नहीं कर रहे कि कागज़ नहीं है तो चलान, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए ओवर स्पीडिंग है, वहाँ डॉपलर रडार लगाते हैं, वो आता है, उसके बाद चलान देते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि इस वायरस को फैलने से कैसे रोका जाए और किस प्रकार स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। कोरोना वायरस के खिलाफ भले ही दवा नहीं है, लेकिन समय रहते इसके लक्षणों का पता चल जाए तो इलाज संभव है।
क्या है लक्षण? तेज धड़कन, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना, छींक आना, खांसी आना, बुखार, गंभीर मामलों निमोनिया व सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होना। कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। इस वायरस को लेकर किसी प्रकार का भ्रम न फैलाएं, हालांकि सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि यह वायरस एक से दूसरे में बीमारी फैलाती है, इसलिए अलर्ट रहें और बचाव पर ज्यादा ध्यान दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइफ टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।